शबात शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है धर्म परिवर्तन। कहीं भाई और बहने जो है ये प्रश्न पूछते हैं, मसीह लोग या क्रिश्चियन लोग धर्म का प्रचार क्यों करते हैं, क्यों घर घर जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाते हैं। सबसे पहली बात, सच को जानना जरूरी है। क्रिश्चियन इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? क्रिश्चियन का मतलब होता है क्राइस्ट को फॉलो करना। जो कोई जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उनके शिक्षाओं को अनुकरण करते हैं, उनका पीछा करते हैं, वो क्रिश्चियन कहलाता है। जो कोई यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर कर अपने जीवन में स्वीकारते हैं और उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, उस व्यक्ति को, उस लोगों को क्रिश्चियन करके बुलाते हैं। इसीलिए ये कोई धर्म या कोई रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। पर प्रश्न ये है कि मसीह लोग घर घर जाकर सारे लोगों को सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? इसका उत्तर जो है मैं बाइबल से देना चाहता हूँ। मरकुस का किताब 15वां अध्याय उसका 16 वचन, जिसमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ और सारे संसार के लोगों को, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है हर उस व्यक्ति से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, कि तुम जाओ संसार के सारे लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस धरती पे जन्म को लिया और उस कलवरी क्रूस के ऊपर सारे मानव जाति के पापों के लिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठ गए। उनका जन्म, उनका मरण और उनका पुनरुत्थान, ये सुसमाचार जो है सारे संसार को देने का आज्ञा जो है प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को दिया है। क्यों जाकर ये सुसमाचार को सुनाना है? क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने इस संसार के लोगों से, हर एक व्यक्ति से इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर प्राण त्यागने को दे दिया, ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन को पाए, ताकि कोई भी नरक ना जाए, कोई भी आंसू में ना रहे, कोई भी श्राप में ना रहे, कोई बीमारी में ना रहे, परंतु अनंत काल के जीवन को अनुभव कर सके। इसीलिए हम सभी लोग जो है घर घर जाकर हर एक व्यक्ति से ये सुसमाचार को सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया, ताकि तुम विश्वास करे और उस महिमा को, उस स्वर्ग के महिमा में तुम प्रवेश कर सके। जैसे जो ग्रंथों को मानते हैं वो ग्रंथों के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो कुरान पर विश्वास करते हैं वो कुरान के आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उसी रीति से जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं उसके वचन के अनुसार चलते हैं। उसका वचन कहता है जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसीलिए हर एक विश्वासी, हर एक मसीह जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। इसीलिए जो कोई सत्य को ग्रहण करेगा वो झूठ से आजाद होगा, जो कोई मार्ग से भटका है वो मार्ग पाएगा, अनंत काल के मृत्यु से बाहर आकर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं परंतु जीवन का परिवर्तन है। इसीलिए हर वो भाई और बहन जो मसीह लोग सुसमाचार सुनाने के विरोध करते हैं, उन्हें हमारा भारत का संविधान क्या कहता है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मूलभूत अधिकार, लेख 25। सभी व्यक्तियों को अंतकरण के स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का सम्मान हक है। इसे ही अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यह है हमारा भारत का संविधान जो हमें कोई भी धर्म मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का पूरा हक देता है। इसीलिए हम मसीहों को ये पूरा हक है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संसार के कोने कोने तक हम ले जाएं। आमीन।